फ्रेंड्स, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल आप सभी बच्चों के लिए बहुत शुभ हो, बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में आए, साथ ही साथ आप सभी लोग अपनी सफलता में अग्रसर हो। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों का बेटे बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौमले शर्मा। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में 6.4 के क्वेश्चन एक ही वीडियोस में वन शॉट वीडियो में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे, इसी के साथ साथ आज मैं 6.5 के क्वेश्चंस को आपको बताऊंगा। ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के बाद वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक से आप हमारी बातें सुनेंगे और बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। इसमें भाई हमसे पूछा गया कि साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन बिलो, कि भाई ट्राइंगल की साइड्स हैं वो हम लोगों को नीचे दे रखी हैं। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल्स, हमें बताना है कि उनमें से कौन से राइट एंगल्स हैं। इन केस राइट एंगल राइट एंगल तो इट्स हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेनस, ठीक है। अगर वो मतलब राइट एंगल है तो उनके हाइपोटेनस भी आप डिस्कस कीजिए। तो भाई सबसे पहला पार्ट में हमसे पूछा गया है कि भाई 7 सेंटीमीटर हमसे कहा है, दूसरे में हमसे 24 सेंटीमीटर कहा है और तीसरे में हमसे क्या कहा गया है, 25 सेंटीमीटर हमसे कहा गया है। ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। इसमें बस आपको यह बताना होता है कि अगर ये राइट एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इनमें से जो है कौन सा, तो उसकी हाइपोटेनस की लेंथ बताइए। आप देख लीजिए कि जो उनकी लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे कि हियर द लॉन्गेस्ट साइड विल बी, क्योंकि भाई जो हम राइट ट्राइंगल में जब हम लोग सीखते हैं तो सिर्फ हम लोगों को एक ही थ्योरम हमेशा से याद आती है, वो होती है पाइथागोरस थ्योरम। राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो भाई सबसे पहले इसमें हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। प्लीज वैल्यू रख दीजिए, हाइपोटेनस मतलब 25 का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर 7 होल स्क्वायर प्लस का बेस 24 होल स्क्वायर, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है बेटा 576। इसका मतलब 625 बराबर 625, इसका मतलब ये जो है हमारा राइट ट्राइंगल फॉर्म करेगा। तो आप लिखेंगे कि देयर फोर एंगल अपोजिट टू 25 सेंटीमीटर इज 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करके एक्सप्लेनेशन देना है। सबसे पहले आप ये लिखेंगे, इसमें आप ये जानेंगे कि लॉन्गेस्ट साइड हमारी 25 है जो कि आपको दिखी रही है। सबसे पहले हमें हाइपोटेनस का बेटा स्टेटमेंट होता है स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जहां पर हाइपोटेनस जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है जो कि 90 सामने बनती है, ठीक। तो 25 का स्क्वायर बेटा 625 होता है, 7 का 49 होता है, 24 का 576, 576 में 49 जोड़ो 625 हो जाएगा। तो इसका मतलब एंगल अपोजिट टू 25 सेंटीमीटर मतलब जो एंगल अपोजिट टू 25 सेंटीमीटर इज 90 डिग्री। तो ये इज 90, तो आपको जो है यही चीज लिख के बतानी थी कि जो 25 सेंटीमीटर के जो अपोजिट में जो एंगल होगा वो वहां पे हमारा जो बनेगा वो कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। इसी के साथ साथ हम लोग इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको बताना है इसमें 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसमें भी आप सबसे पहले लिखेंगे कि वी नो दैट या हेयर लिखेंगे आपको लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू आप लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। आप ये लगा दीजिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर बराबर, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू 9 प्लस 36। अब आप ये खुद देख लीजिए ये कहीं पर से बराबर नहीं है, ठीक है। तो 64 इज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 और 10 कितना होता है 46, 45, ठीक है। तो ये लगभग आप खुद देख लीजिए कहीं पर से बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये कभी भी राइट ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब ऐसे हम लोग इसका बेटा थर्ड पार्ट करने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही आप सब लिख लीजिएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट है बेटा इसका 50 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। फिर से आप वही चीज लिखेंगे, आपको लिखने का भी तरीका हम बता देते हैं कि इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है, जो इसकी बेटा लॉन्गेस्ट साइड है वो कितनी है भाई 100 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लगा दीजिए कि 100 स्क्वायर इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, 100 स्क्वायर मतलब 1, 2, 3, 4, ठीक है, 6400 प्लस 2500, ठीक है। अब खुद देख लीजिए 6 और 2 8, ठीक है, तो ये भी लगभग जो है नहीं बनेगा, ठीक है, लगभग 9000 के आसपास आएगा, 8900, तो ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब राइट ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी इसमें पॉसिबल बेटा नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे इसके फोर्थ पार्ट की, बोर्ड को भी हम लोग थोड़ी जगह बना देते हैं। तो आप समझ गए होंगे ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस को, इनके 4 पार्ट है, पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट मैंने बता दिए हैं, चौथा जो है हम लोगों को करना होगा और ये आपकी लगभग लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद आपके ऑप्शन बचेंगे तो वो देख लेंगे।
वैसे यही वाला जब जैसे इसके लगभग कितने क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है, तो मान के चलो ये इतना कर लोगे अगर आप, तो ट्रायंगल से आपको पूरा पूरा पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, बस बोर्ड हमारा मिट गया है। अब इसका चौथा क्वेश्चन करेंगे, इसका मतलब आप एक पार्ट सही से समझ लीजिए, तीन क्वेश्चन आप अपने प्रैक्टिस कर लीजिए, बस आपको बिल्कुल रट जाएंगे सवाल। और क्या, यही सवाल पेपर में आएंगे सेम टू सेम, अगर चेंज थोड़ी ना होते हैं। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे कि हेयर लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, हेयर। ठीक है, फिर से आप वही लगा दीजिए कि 13 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आपको पता ही है बेटा कितना होता है, 169 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और ये कितना होता है 144। तो 169 बराबर 144 प्लस 25 96 और 1, ये आपका 169 बराबर 169, ये आपका वेरीफाई हो गया। इसका मतलब राइट एंगल का फॉर्मेशन इसमें 100% होगा। चलिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पे। समझ में आपको आ गया होगा, बस लॉन्गेस्ट साइड बराबर दे दीजिए, सबका स्क्वायर है लॉन्गेस्ट साइड के बराबर, जो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर अपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सॉल्व करके देख लीजिए वेरीफाई हो रहा है तो राइट एंगल का फॉर्मेशन होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में इसमें वेरीफाई होगी, अगर नहीं होगा तो फिर कोई बात ही नहीं। यहां पे आप देख ही सकते हैं वेरीफाइड। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसका। ये पार्ट वन आप मान के चलिए, ठीक है, पार्ट वन इसमें थोड़े से क्वेश्चन करा देते हैं, 7-8 क्वेश्चन, उसके बाद जो है जो बचे होंगे वो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, आंसर नंबर 2। ठीक, इसमें लिखा है कि पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट पी। ठीक है, हमें पी क्यू आर ट्राइंगल बनाना है जिसमें राइट एंगल पी पे है, मतलब एंगल पी 90 डिग्री है। M is a point on QR, M जो है वो एक पॉइंट है QR पे, such that PM जो है वो QR के परपेंडिकुलर है, तो हमें शो करना है PM square बराबर QM into MR। कोई दिक्कत नहीं, आसान सा डायग्राम है, जैसी लैंग्वेज पढ़ी तुरंत समझ में आ गया क्या इसका कैसे डायग्राम इसका बनना है। ठीक है, ये हमने राइट एंगल डेट P पे उसमें कह रखे हैं। ठीक है, QMR ये भी 90 है। ठीक है, एक्स ये 90 डिग्री माइनस एक्स और ये भी 90 डिग्री माइनस एक्स। ठीक, अब आप ये देख लीजिए पी क्यू आर एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पर एंगल पी जो है वो बेटा 90 डिग्री है। ठीक है, एक बार फिर से कि पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल फ्रॉम विच एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, एक एम जो है वो क्यू आर पे एक बेटा पॉइंट है, तो हमें शो करके बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें गिवन लिखते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है, क्योंकि गिवन टू प्रूव करके पूरा आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है। पी क्यू आर इज राइट एंगल्ड, ठीक है, राइट एंगल्ड एट पी, वो आप जो गिवन में जो आपके क्वेश्चन में लिखा होगा उसी को आप देख देख के लिख देंगे। एंड एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर एस टी सच दैट पी एम इज परपेंडिकुलर टू बेटा क्यू आर। ठीक, तो हमें इसमें प्रूफ करके बताना है कि पीएम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। ठीक, डायग्राम को मुझे मानना है आप समझ गए होंगे। ठीक, तो हमें ये प्रूफ करना है कि पीएम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू पीएम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर, तो ये हमको प्रूफ करके बताना है। मैंने यहां पे थोड़े एंगल्स को लेट कर रखा है। देखिए, ये तो बेटा परपेंडिकुलर है तो ये तो 90 होगा ही होगा। अब आपको मैंने एक बात बता देता हूं कि जब हमसे कह दिया जाता है कि राइट ट्रायंगल है तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब बेटा 90 डिग्री तो होता है। इसका मतलब आपको बेसिक सी बात है कि इसमें अगर हम कोई सा भी एंगल अगर कंसीडरेशन में लाएंगे, मेजरमेंट में लाएंगे, तो इसमें हमारा कोई भी एंगल 90 से बड़ा तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगती है वो बेटा सिर्फ और सिर्फ 90 पे तो लगती है, राइट एंगल पे। तो इसी प्रकार से हम लोग यहां पर भी एंगल का ऐसा अरेंजमेंट करेंगे जहां पर हमें क्या मतलब 90 भी मिल जाए और 90 से कम एंगल। तो बेटा आप देख लीजिए 90 है तो हमने ये एक्सेप्ट कर लिया, अगर ये एक्स है ये 90 है तो ये 90 माइनस एक्स, सिमिलरली ये भी 90 माइनस एक्स है, क्योंकि अगर आप देख लीजिए जब आप इसको जोड़ के देखेंगे, ठीक
ठीक है, जब हम ऐसे करके लिखेंगे कि 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये एक्स से एक्स कट जाएगा तो कितना बचेगा 90 डिग्री बचेगा, और यहां पर से क्या आप देख लीजिए 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस एक्स, तो भी यहां पर 90 डिग्री ही बचेगा। तो अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री है तो दूसरा वाला क्या होगा 90 से कम ही तो होगा। अभी हमें नहीं पता कितना कम है तो मैंने एक्स को लेट कर लिया, तो 90 डिग्री माइनस एक्स करके मैंने बता दिया। तो वही हम लोग इसमें लिखेंगे प्रूफ में लेट करके, जो मैंने लेट करा है वो ही बस इसमें लिखना है कि एंगल जो पी आर एम है, मतलब एंगल आर जो है वो मैंने 90 डिग्री माइनस एक्स लिखा है, और एंगल आर पी एम को जो है वो मैंने क्या करा है, मतलब आर ऑफ पी एंगल, मैंने आपको ये बताया था कि जो एंगल हम बीच में लिखते हैं उसका मतलब होता है ठीक। तो इसमें आर जो मैंने बता दिया 90 माइनस एक्स, और जो बेटा पी है वो भी मैंने आपको बता दिया एक्स, मैंने एंगल आर पी एम लेट करके लिख लिया है ठीक है, पी आर एम और आर पी एम ठीक। अब जो है देखिए, अब इसमें देख लीजिए दो ही ट्रायंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है क्यूएमपी और एक बन रहा है पीएमआर, बस इन पे आप लगा दीजिए और आपको सभी पता है क्या क्या इसमें आपको लिखना है ठीक है। प्रूफ में प्रूफ हो चुका है, प्रूफ तो चलेगा, ये आंसर मिटा दीजिए इसे ठीक है। इन ट्रायंगल क्यूएमपी एंड पीएमआर ठीक है, एंगल एम आप देख लीजिए कॉमन है, मैंने आपको बता दिया था एंगल एम पे वन ठीक है, और जो एंगल एम पी क्यू बराबर एम एम आर पी पी और आर, हाँ ठीक है, जो है प्रूफ डेवलप ठीक है। तो हमारा ये जो ट्राइंगल है क्यू एम पी, ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी एम आर के ए ए कोरोलरी से बाई ए ए, इसमें आपको देख लीजिए आप बेटा खुद देखिए कि क्यू एम क्यू पी क्यू एम ठीक है, क्यू एम पी और एक पी एम आर दो ही ट्राइंगल बन रहे हैं, जिसमें हमारा एंगल एम वो भी भाई कॉमन है, एंगल एम हमारा ये भी कॉमन है, और साथ ही साथ ये जो हमारा ये क्यू एम पी है, क्यू एम पी एक हमारा एंगल और एक हमारा ये पी एम आर, ये भी हमारे क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, तो इसीलिए हमारा सिग्नल हो गया। अब अगर सिग्नल हो गया तो ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा भाई बराबर होगा। तो यहां पर से लिख दीजिए दो बार ये लिखा जाएगा क्यू एम अपॉन पी एम बराबर एम पी अपॉन एम आर ठीक है, बाई सी पी एस टी ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जिसमें आप ये देख लीजिए कि जब हम इनको सिमिलर कर देंगे तो भाई क्यू एम ठीक है, क्यू एम अपॉन पी एम ठीक है, और बराबर पी एम बराबर एम पी अपॉन एम आर, ये तो आपको साइड का रेशियो तो आपको हजार बार लिखना आ ही चुका है कि कैसे, सबसे पहले हम लोग पहला दूसरा ये लिख लेते हैं क्यू एम, उसके बाद लिखता पहला दूसरा, उसके बाद एम पी अपॉन एम आर, और अगर हमको तीसरा रेशियो लिखना पड़ता है तो फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट थर्ड से लिख के हम लोग इसको एक बता देते हैं। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे ठीक है, तो आपका यही आ जाएगा ठीक है, पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर, तो एक स्टेप मैंने नहीं लिखा है तो वो आप लिख दीजिएगा और प्रूफ कर दीजिएगा ठीक। अब हम लोग बात करेंगे इसके आंसर नंबर थर्ड की ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब हम लोग इसके थर्ड क्वेश्चन नंबर वन तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया है, अब हम लोग बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड की ठीक है। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए बढ़िया है। इसमें हमसे कहा गया है कि एबीसी ए वो एबीडी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट ए, कि ए बी और डी ठीक है, एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल किसपे है, ए पे है, जो कि मैंने मेंशन कर दिया है कि एबीडी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, किसपे है ए पे, जहां पर एसी जो है, एसी जो है वो बीडी पर क्या है परपेंडिकुलर है। तो आप हमें शो करके बताइए, ये आपको सब गिवन करके लिखना होगा ठीक है, हमें गिवन लिख देता हूं बुक से देखे कि एबीसी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट ए, एंड जो हमारा एसी है वो भाई बीडी पर हमारा क्या है परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूफ इसमें बेटा तीन पार्ट हम लोग से पूछे गए हैं, फर्स्ट एबी स्क्वायर बराबर बीसी इंटू बीडी ठीक है, दूसरा पार्ट हमसे पूछा गया है एसी स्क्वायर बराबर बीसी इंटू डीसी, और तीसरा पार्ट हमसे पूछा गया है कि एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू सी डी ठीक है, ये हमसे प्रूफ करने के लिए कह रहा है ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम देखो क्या करेंगे इसमें, हम देखो ऐसा है इसमें सबसे पहले एक ट्राइंगल दो ट्राइंगल को हम सिग्नल करके दिखा देंगे तो उससे हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो जाएगा, बाकी ये जो दो है इन्हें हम क्या करेंगे सिमिलर से लिख देंगे ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम एक ट्राइंगल की बात करें तो हमारा ट्राइंगल बन रहा है एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी
ये देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है एबीसी और एक आपका क्या बन रहा है ए बी सी और एक आपका बन रहा है एबीडी। तो दो ट्रायंगल आपके बन रहे हैं बिल्कुल साफ साफ, ठीक है। जहां पर आप देखिए कि जो हमारा एंगल वन है और एंगल टू वो आपका देख लीजिए ईस्ट 90 डिग्री है, ठीक है, और एंगल बी बराबर एंगल बी ये आपका बेटा क्या है इसमें कॉमन है, ठीक है। तो जहां पर भी आपकी आपका हो गया तो आप देखेंगे कि इसलिए जो एबीसी है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एबीडी के बाई एए से, ठीक है। हाँ, तो जैसे ही आपका ये आ जाएगा वैसे ही आप यहां पर लिख देंगे कि एबी अपॉन बीडी बराबर बीसी अपॉन एबी। तो यहां पर से आपका ये क्लियर हो जाएगा कि एबी स्क्वायर बराबर बीसी इंटू बीडी, ठीक है। तो हमें ट्राइंगल मिल जाए थे, देख लीजिए उस टाइम हमने इसमें करना है कि एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, कहां पे है ए बी है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एसी जो है वो बीडी पे क्या है बेटा परपेंडिकुलर है कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा कि एबीसी और एबीडी को हमने क्या करा है सिमिलर प्रूफ करा, जिससे हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। उसके बाद एबीसी तो हमारा ट्राइंगल कॉमन रहेगा, उसके बाद हम लोग लेंगे भाई डी ए सी ये वाला, ठीक है। इसका डी वाला ट्राइंगल तो हम लोग डायरेक्ट ए से सिमिलरिटी दिखा के प्रूफ करेंगे, उसके बाद ए सी डी बराबर बी ए सी को हम लोग सिमिलर प्रूफ करके सिमिलरिटी से दिखा देंगे। तो ये हम लोग को पहला आ गया है, बाकी आपको सेकंड और थर्ड वाला जो है वो सिमिलर करके लिखना है, तो इसमें आपको पूरा नहीं करके दिखाना है, ठीक है। बाकी होंगे जी ए ए से ही, ठीक है, ए कोरोनरी से ही, बाकी जो है मैंने पहला आपको करके दिखा दिया है, दूसरा और तीसरा बस आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट लिख देना है। बस मिटा दें, उसके बाद जो है आपका तीसरा क्वेश्चन भी लगभग कंप्लीट ही हो गया है। पहला ही लिखा जाता है, उसके बाद जो है सिमिलर करके लिख दिया जाता है, ठीक है। चलो हाँ, तो उसके बाद एक आपका हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे कि एबीसी एंड ट्राइंगल डीएसी में, जहां पर आपका फिर से भाई बिल्कुल सिमिलर है एसी अपॉन बीसी बराबर डीसी अपॉन एसी, तो ये आपका विच इंप्लाइज दैट एसी स्क्वायर बराबर बीसी इंटू डीसी, ठीक है। उसके बाद इन ट्राइंगल एबीसी ओ एसीडी, एसीडी ठीक है, ये एंड ना लगाइए इसमें, ये तो सिमिलर ही हो गए हैं, ठीक है। ये भी सीधे 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 सिमिलर है और ये सब बाई ए कोरोलरी से ही होंगे, ठीक है, कि सिमिलर हो जाएगा ये भी बीएसी के ही। तो एडी अपॉन सीडी बराबर बीडी अपॉन एडी, तो विच इंप्लाइज दैट एडी स्क्वायर बराबर सीडी इंटू बीडी, ठीक है। इसमें हमसे जो डायग्राम से हमसे कहा गया था वो हमने कर दिया था, उसके बाद हमने ए को सिमिलर फिजिकल एबीसी और डीएसी को हमने सिमिलर कर दिया, साथ ही साथ हमने करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर दिखाने के बाद जो है सिमिलर करके आप लिख देना कि सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख देंगे सिमिलरली, ठीक है भाई ए कोरोलरी से ही होंगे, चाहे आप ए भी लिख सकते हैं आगे, उसके बाद एडी अपॉन सीडी बराबर बीडी अपॉन एडी से करके, बस जैसे मैंने फर्स्ट प्रूफ करा बिल्कुल सेम वैसे ही प्रूफ होगा। तो बस मैंने आपको फर्स्ट एक्सप्लेनेशन दे दिया, सेकंड और थर्ड मैंने सिमिलरिटी करके लिख दिया, वैसे ही लिखा जाता है, ठीक। तो अब हम लोग इसका चौथा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई। नोट आप कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, बाकी डायग्राम में सब कुछ ही मेंशन कर देता हूं। एंगल ए पर 90 डिग्री है जो कि हमने बता दिया आपको, एंगल बी आप देख लीजिए यहाँ पर कॉमन था, ऐसे बिल्कुल यहाँ पे भी कॉमन कंडीशन लगा के ए कोरोलरी से ही दोनों होंगे, पहला आपका एंगल वन एंगल टू, वहां पे एंगल थ्री एंगल फोर, ठीक है, ऐसे करके आप लिख दीजिएगा वहां पर बस, ठीक है। हाँ तो भाई आगे चलते हैं, अब इसे मिटा के अब आपका चौथा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। बस ये वाली एक्सरसाइज होने के बाद आपका ट्राइंगल चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके मैंने 1-5 को मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाए हैं, एक एक टॉपिक बिल्कुल एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर किया है, ऐसे ट्राइंगल्स में भी जो बचे हुए क्वेश्चन बच रहे हैं उन्हें भी हम पूरा पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो भाई आंसर नंबर 4, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आपको बताएंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में कुछ, ठीक है।
देखो भाई एबीसी एक हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, जहां पर हाँ भाई तो एबीसी हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहां पर एंगल सी पे हमारा 90 डिग्री है, ठीक। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल टेन एट सी। तो हमें प्रूफ करके इसमें बताना है कि एबी स्क्वायर जो है वो 2AC स्क्वायर के बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करके बताना है, ठीक है। और गिवन में सिर्फ आपको इतना ही लिख देना है कि एबीसी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल्ड है, राइट एंगल एट सी पर। तो बाकी टू प्रूफ उसके बाद हम यहां पर प्रूफ करेंगे, ठीक, राइट एंगल एट सी, ठीक है। जहां पर और एक बात हम आपको और बता दें, जहां पर हमें यह भी गिवन है कि जो एसी है वो बीसी के क्या है बेटा, बराबर है, ये भी हम लोग को पता है इसी में, ठीक है। ये जो है इसमें हम लोग को पहले से ही पता रखा है फोर्थ क्वेश्चन में, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल, हाँ, अब हम आपको बता दें कि जो हमारे ट्राइंगल होते हैं भाई, जो हमारे ट्राइंगल होते हैं, थोड़ा सा आप सुन लीजिए बस एक मिनट, करके ट्राइंगल हमारे तीन तरह के होते हैं, एक हमारा इक्विलेटरल होता है, एक आइसोसेलेस होता है और एक स्केलेन ट्राइंगल होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिनमें तीनों साइडें बराबर होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल दो साइड होते हैं, ऐसा ट्राइंगल होता है जिनमें सिर्फ दो साइड बराबर होती है, और स्केलेन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिनका इनकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है इनकी दो साइडें बराबर होंगी, इसका मतलब एसी जो है वो बीसी की क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर एबीसी में जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, एबीसी बाय पीवाईटी थ्योरम, ठीक है। तो जहां पर आप लिखेंगे कि एबी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, तो आप फिर लिखेंगे एबी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर और बीसी जो है वो एसी के बराबर है, तो यहां पर आपका हो जाएगा एबी स्क्वायर बराबर 2 times of AC स्क्वायर। ये एक लाइन का आपका आंसर था, ये मैंने आपको प्रूव करके बता दिया है, ठीक है। इससे सरल क्वेश्चन हो नहीं सकता, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एंगल सी पे 90 डिग्री, आइसोसेलेस की दो साइडें बराबर होती है, तो एसी बराबर बीसी, बीसी है, एबी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, एसी जो बीसी बराबर, चाहे मैंने बीसी को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, आप चाहे आप बीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर करके 2BC स्क्वायर भी बता सकते हैं, तो ये भी आपका क्वेश्चन रेडी हो गया। अब हम बात करेंगे आंसर नंबर 5 की, छोटा सा क्वेश्चन है तो इसे मिटा देते हैं, तो जो है ज्यादा क्वेश्चन करने की जगह रहेगी, ठीक है। चार क्वेश्चन देखिए आप कितनी जल्दी से हो गए, आपको समझ में भी आ गया, गिवन आपको गिवन आपसे पसे जो क्वेश्चन आपका आए उसी में से आप बिल्कुल देख के एक भी वर्ड चेंज ना करें, वो लिख दीजिए जो तो प्रूफ है वो लिख दीजिए, कंस्ट्रक्शन आप करना है वो लिख दीजिए, ठीक है। अभी तक तो कंस्ट्रक्शन किसी में हुई नहीं है, तो बस सीधे सीधे प्रूफ चल रहा है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। अब बात करेंगे पांचवें क्वेश्चन की, बस अगर इतना बस आपको इतना ध्यान रखना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होती है, बस तो वहीं पर से आप लिख देंगे। अब हम बात पांचवें बात क्वेश्चन में, एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ साइड 2 है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो जिनकी दो साइडें क्या होती बराबर होती है, अभी मैंने आपको एक मिनट पहले बताया था ABCD, ठीक है, ये 2A होती है, ये भी 2A है और ये D पॉइंट है, इसका मतलब ये A हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। देखो बेटा इसमें हम लोग से कह रखा है, इसमें हम लोग से कह रखा है कि जो एबीसी है वो भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 90 होगा, एबीसी हमारा क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल जिनकी दो साइडें बराबर होती है, अभी मैंने आपको बताया, और उसकी जो साइड है वो भाई क्वेश्चन में हमसे खुद कहा है कि 2A है, तो पूरी साइड 2A है तो आधी बेटा A ही तो होगी, ये भी बिल्कुल सीधी सीधी बात है। इसमें हमसे कह रखा है फाइंड ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, हमें अल्टीट्यूड भाई बताना है, कोई दिक्कत नहीं, जो इसमें दो ट्राइंगल बनने एल्टीट्यूड बताना है, तो कॉन्ग्रेट प्रूफ कर देंगे एबीडी को और एबीसी को कॉन्ग्रेट प्रूफ कर देंगे, बस बाकी सीबीसीटी से फिर हम लोग क्या करेंगे बीडी बराबर बीसी, बीडी बराबर डीसी दिखा देंगे, नहीं बीडी बराबर बीसी दिखा देंगे, फिर हम लोग इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, बस सिंपल सा है ये, हमने कंस्ट्रक्शन करी है एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पे, ठीक है। गिवन आप लिख लीजिएगा, ठीक है, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटर को EQ से लिख दिया करिए, पूरा ना लिखा करिए, इक्विलेटर ट्राइंगल ऑफ साइड 2A, ठीक है। टू प्रूफ में जो आपसे पूछा गया फाइंड ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, जैसा लिखा है वैसा ही लिख दीजिए पूरा, ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, ठीक है, उसके बाद AD, हाँ, कंस्ट्रक्शन AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे, प्रूफ इन ट्राइंगल आप देख लीजिए एबीडी
एंड एडीसी। ठीक हाँ, तो भाई इसमें हमने आपसे पहले बता दिया था कि इसमें हमसे खुद कह रखा है कि एबीसी एक हमारा क्या है आईसोसेलेस ट्रायंगल है। सॉरी एक मिनट, एक क्वेश्चन पूरा मैच कर लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यहाँ पे आप इक्विलेटर नहीं, जो आपसे क्वेश्चन में कह रखा हो वही देखिए प्लीज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, साइड टू है, अब आप देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एबीडी बन रहा है और एक एडीसी बन रहा है, और सीधे सीधे आप देख लीजिए कि राइट हैंड साइड से ये आपका प्रूफ हो जाएगा आरएचएस से, राइट हाइपोटेनस साइड, सॉरी ठीक है, राइट हाइपोटेनस साइड एंगल वन जो है वो एंगल टू के भाई बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है एबी बराबर एसी और एडी बराबर एडी, तो बेटा आपको पता ही है कॉमन है। ठीक है, ये गिवन है और ये पीच 90 डिग्री है। ठीक है, तो ट्राइंगल एबीडी जो है वो भाई कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल एडीसी के बाय आरएचएस कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक, विच इंप्लाइज दैट बीडी जो है वो भाई बीसी के बराबर हो जाएगी बाय सीपीसीडी। अभी देखिए सिंपल सा, इसमें ज्यादा क्या ही बताएं। ठीक है, एबीडी एबीडी और एडीसी में हमें ट्रायंगल की बात करते हैं जहां पे एंगल वन और एंगल टू भाई मेरे क्या है ईच 90 डिग्री है, देख लीजिए आप दोनों एंगल 90 डिग्री है, ये बने हुए हैं वन और टू। उसके बाद एबी और एसी बराबर है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के वजह से पिछले क्वेश्चन तरह सेम है, और देख लीजिए एडी जो परपेंडिकुलर मैंने कंस्ट्रक्शन करी जो कि बीसी परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो आरएचएस से हो जाएंगे। इसका मतलब बीडी बराबर डीसी जो है बीडी बराबर बीसी, बीडी बराबर बीसी आपका कैसे सीपीसीटी से हो जाएगा। बस अब इन ट्रायंगल एबीडी में आप क्या लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए इन ट्राइंगल एबीडी बाय पी वाई डी थ्योरम। ठीक है, तो भाई पी वाई डी थ्योरम में जो बड़ी साइड है उसे लगा दीजिए 2a2। ठीक है, उसके बाद ये a स्क्वायर और प्लस ad स्क्वायर। ठीक है, 2a2 होता है 4a2, ये हो गया माइनस a2, ये आपका ad स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a2 बराबर ad स्क्वायर, ये हटा दीजिए तो ad बराबर आपका कितना आ जाएगा √3a आ जाएगा। बस यही तो हमें लाना था। ठीक है, ठीक, बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देने की जो लॉन्गेस्ट साइड है तो 2a है 90 डिग्री के सामने वाली, उसके बाद a की साइड बची है ये a स्क्वायर और एक आपकी ad जो आपकी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ad आपकी आ जाएगी √3a, यही हमें ये जो आपको प्रूफ हो गया, तो एल्टीट्यूड हमारा कितना आ गया √3 into a आ गया है। ठीक भाई, सिक्स्थ क्वेश्चन, पांच आपके क्वेश्चन हो गए, अब हम लोग बात करेंगे छठे क्वेश्चन की। क्योंकि आपको लिखवाना भी पड़ता है तो थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि पेपर में आपको लिखने से ज्यादा नंबर मिलेंगे, इसलिए जो है मैं आपको हर चीज लिख के बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे कोई भी चीज छूटे ना। ठीक है, कोई कोई भी एक भी मतलब स्टेप स्किप ना हो कि कोई कोई पॉइंट छूटे ना, तभी जो है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। चलो सिक्स की बात करते हैं भाई, वो भी आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के ही ऊपर है। ठीक है, हाँ भाई देखो इसमें लिखा हुआ है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद एसी बराबर बीसी। ठीक है, ये हम लोग को गिवन दे रखा है, साथ ही साथ एबी स्क्वायर बराबर 2ac2 ये भी दे रखा है। प्रूव दैट एबीसी इज अ राइट एंगल, प्रूव दैट एबीसी इज अ राइट ट्राइंगल। ठीक, ये हमसे पूछा गया, तो गिवन आप लिख लीजिए, आसान सा ये भी क्वेश्चन है दो लाइन का, इन ट्राइंगल एबीसी इन विच, ठीक है, एसी बराबर बीसी, या एंड लिख दीजिए चाहे ऑल्सो लिख लीजिए एबी स्क्वायर बराबर 2 times of AC square। टू प्रूव हमें करना है कि एबीसी जो है वो एक क्या है, राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल मतलब इसका एंगल क्या हो, एंगल सी जो है वो क्या हो बेटा 90 डिग्री हो, ये हमको प्रूव करना है। अभी है ये मैंने बना दिया है। ठीक है, एबीसी हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहां पर एसी और बीसी क्या है भाई बराबर है, साथ ही साथ एबी स्क्वायर जो है वो 2 times of AC square दे रखा है, तो हमसे एबीसी इज अ राइट ट्राइंगल कहने को कह रहा है। तो बस जो हमसे कहा गया उसी को आप यूज कर लीजिए, प्रूफ हो गया आपका। बस प्रूफ में हमसे भाई कहा गया है कि एबी स्क्वायर बराबर 2 times of AC square दे रखा है, तो भाई एसी टू, तो इसे हम लोग एसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो एबी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, बस यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, ये हम लोग को गिवन ये भी दे रखा है,
तो एंगल सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बस कन्वर्स ऑफ पी वाई टी थ्योरम। ठीक है, तो एबीसी हमारा क्या हो जाएगा इज अ राइट ट्राइंगल। देखो भाई सीधा सीधा हमसे क्या रखा था, बस इसकी कंडीशन लोगों को यूज करनी थी कि एबी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर, एबी स्क्वायर बराबर टू टाइम्स ऑफ एसी स्क्वायर दे रखा है, तो जो टू टाइम्स ऑफ एसी स्क्वायर के हमसे सेपरेट करके एसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और एसी जो है वो बीसी के बराबर है, तो यहां मैंने बीसी स्क्वायर लिख दिया। अब आप ये देखिए कि एबी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ठीक, तो भाई ये हम लोग को गिवन दे रखा है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में ये हम लोग को प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग गिवन दे रखा है, और फिर उसके बाद जो है सीसी एंगल सी बराबर हम 90 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि कन्वर्स से है, ये उल्टा दे रखा है पाइथागोरस का। ठीक है, एबी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर ये हम लोग को गिवन दे रखा है, तो इसका मतलब हम सीधे सीधे लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस हो गया और एंगल हमारा 90 आ गया, इसका मतलब राइट ट्रायंगल का फॉर्मेशन हमारा अच्छे तरीके से हो गया है। ठीक, सेवन क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सेवन क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो बहुत आ सकता है, अच्छा सवाल है ये। ठीक है, ये मिटा देते हैं फटाफट, फिर छह क्वेश्चन आपके 1-6 मैंने करा दिए हैं, अब हम लोग इसका सेवन क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग को गिवन दे रखा है कि भाई एबीसीडी जो है, एबीसीडी इज अ रॉम्बस, एबीसीडी हम लोग को रॉम्बस दे रखा है। ठीक, इसका मतलब एबी बराबर बीसी बराबर सीडी बराबर डी, और आपको पता भी है कि रॉम्बस की सारी साइड्स आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। तो हमें प्रूफ करके बताइए एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, जो इनकी साइड्स होगी वो इनके डायगोनल के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगी। ये हम लोग को इसमें प्रूफ करके दिखाना है, टू प्रूफ। ठीक, इसमें हमसे क्या लिखा गया कि प्रूफ दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ रॉम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। तो एबीसीडी हम लोग को रॉम्बस दे रखा है, और हम सबको पता है रॉम्बस के बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसकी सारी साइड बराबर होती है, मतलब एबी बराबर बीसी बराबर सीडी बराबर दिए। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर प्लस डीए, जो इनकी साइड्स का जो स्क्वायर है वो भाई बराबर होगा, जो इनके डायगोनल के फर्स्ट डायगोनल एसी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर के बराबर होगा। तो भाई आप जो है इनमें एक ट्रायंगल आपका बन रहा है राइट ट्रायंगल एओबी, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एबी स्क्वायर बराबर एओ स्क्वायर प्लस बीओ स्क्वायर, सीधी सीधी बात है। ये जो आपका बन रहा है एओबी, ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ, ठीक, एओबी आपका बन रहा है। और आपको ये भी पता है कि रॉम्बस में जो हमारे डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ रॉम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, कि जो हमारे डायगोनल्स ऑफ रॉम्बस होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक साथ, मतलब बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। ठीक है, तो एबी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, देख लीजिए एओ स्क्वायर प्लस बीओ स्क्वायर, सीधी सीधी बात है। ठीक है, अब एबी स्क्वायर को आप बेटा ऐसे लिखा रहने दीजिए, एओ को आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ एसी स्क्वायर, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ बीडी स्क्वायर, क्योंकि एओ जो है आप देख लीजिए फर्स्ट डायगोनल में आपका आ रहा है। ठीक है, एओ को आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ एसी स्क्वायर, और बीओ को आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ बीडी स्क्वायर, सिंपल सी बात है, आपको सिंपल लगा दिया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1/4 एसी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 1/4 बीडी स्क्वायर, 4 को उधर भेज दीजिए, 4 एबी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका एसी स्क्वायर प्लस आपका बीडी स्क्वायर, ही आपका 4 टाइम्स ऑफ हो गया। ठीक, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 टाइम्स एबी स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब एबी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर क्या आप इसे लिख दीजिए एबी स्क्वायर
प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर जो आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा बी डी स्क्वायर। ठीक, अब आप खुद देख लीजिए कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारी डायगोनल की जो हमारी जो साइड्स होती है रोम्बस की वो सारी बराबर होती है। इसका मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और प्लस डी ए स्क्वायर जो है वो भाई किसके बराबर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये आप बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, दो तीन लाइन का, ठीक है, ये आप इनको सिमिलर करके प्रूफ कर देंगे। ठीक है, वो भी आज आपको बताया था ए ओ जो आप चाहे यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि सिंस ए ओ बराबर आपका क्या हो जाएगा हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा और सिंस बी ओ बराबर आपका क्या हो जाएगा हाफ ऑफ बी डी हो जाएगा। इसे भी आप चाहें तो अपना एक्सप्लेनेशन में जोड़ सकते हैं। ठीक, और ए ओ बी में मैंने लगा दिया, ठीक है, एक ही लगा के दिखा दे रहे हैं, बाकी तो रोम्बस की तो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फिर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया ए बी स्क्वायर चार टाइम्स आया था। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर जो है फिर साथ ही साथ ए बी बी सी तो सी डी डी ए चारों साइड बराबर है, तो इनको मैंने रिप्लेस कर दिया, जो प्रूफ करना था वो आपके सामने आ गया है। ठीक, अब जो है आठवें क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, आठवां क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सवाल है, ये तो बहुत आसान से सवाल चल रहे थे कि आठवां क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल अच्छा है, सेवन वाला वैसे एवरी ईयर लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तैयार कर लीजिएगा, इसे आ जाता है क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन बेटा बचे रह जाएंगे ऐसा नहीं कि छूट जाएंगे, वो आपको अगले पार्ट में पार्ट नंबर टू में बिल्कुल आपको मिलेंगे सारे क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन है पूरे पूरे मैं कराऊंगा। ठीक है, आठवां सवाल भाई, ये भी आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप तैयार करके जाना। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन करी जाएगी। ठीक है, आपको हम समझाएंगे पूरा बहुत अच्छे से, इसमें आपको एक एक पॉइंट आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। ये 90 डी, ये ओ पॉइंट है, ये सी है, ये ई है। ठीक, एफ पे भी 90 बन रहा है। देखो भाई, इन फिगर 6.54 ओ इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। ठीक, ओ है इंटीरियर पॉइंट है ट्राइंगल एबीसी में, इंटीरियर मतलब अंदर पॉइंट है। ठीक है, ओडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पे, जो कि आपको दिख ही रहा है इसमें। ठीक है, ओई जो है वो परपेंडिकुलर है आपका एसी पे और ओएफ जो है वो परपेंडिकुलर है आपका एबी पे। तो आपको इसमें प्रूफ करके दिखाना है, सबसे पहले हम गिवन लिख लें। ठीक है, जो गिवन आपको कंडीशन दे रखी है कि इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, ओ इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल एबीसी जहां पर ओडी जो है वो बीसी में परपेंडिकुलर है, ओई जो है वो एसी में परपेंडिकुलर है एंड ओएफ जो है वो परपेंडिकुलर है बेटा एबी पर। तो ये आप प्रूफ करके बताइए, बड़ा लंबा छोड़ा प्रूफ है, इसमें दो पॉइंट दो पार्ट है इसके। अच्छा सवाल है आपका, आता है ये क्वेश्चन अच्छा खासा। ठीक है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर। दूसरा पार्ट ऐसा क्या रखा है, दोनों उतार ले रहे हैं साथ ही में, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। एक मिनट रुकेगा बच्चों, प्लीज। हाँ, तो प्रूफ नहीं, सबसे पहले जो हमने बेटा कंस्ट्रक्शन लिखी थी वो आपको इसमें लिखनी होगी। कंस्ट्रक्शन में आपने ज्वाइन करा था ओए को,
ज्वाइन करा था ओबी को और ज्वाइन करा था ओसी को। डायग्राम हम एक बार फिर से थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ओएस ऑफ पॉइंट इज इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है, जहां पर ओडीबीसी परपेंडिकुलर है, ओईएसीएसी परपेंडिकुलर है एंड ओएफएबी पर परपेंडिकुलर है, तो आप ये शो करके हमें बताएं, ठीक है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल ओएफए में जहां पर एंगल AEO आप फिगर में खुद देख लीजिए 90 डिग्री है, ठीक, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे OFA में, ये वाला, ठीक, इसमें जो है हमारा OFA में AEO जो है वो हमारा क्या है बेटा 90 डिग्री आपको इसमें नजर आ रहा है, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है, OF और A, ठीक, जिसमें आपको ये 90 डिग्री आपको मिल रहा है, ठीक है, एंगल एफ आपका जो है 90 डिग्री है, सॉरी, ठीक है, एंगल एफ जो है वो आपका क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, तो बाई पी वाई टी थ्योरम आप इसमें लगा दीजिए, कोई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ओए बराबर ओएफ स्क्वायर प्लस एएफ स्क्वायर। सिमिलरली आप इसी तरह से दूसरे वाले ट्राइंगल में ले लीजिए ओ डी बी में, जहां पर आपका इन ट्राइंगल ओडीबी जहां पर एंगल डी आपका क्या है 90 डिग्री के बराबर है, इसमें आप जो है थ्योरम लगा दीजिए, तीन ट्राइंगल इसमें है, तीनों में लगा दीजिए, ठीक है, तो यहां पर आपका ओबी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ओडी स्क्वायर प्लस आपका बीडी स्क्वायर, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। एंड आप ट्राइंगल जो है ओईसी में लगा दीजिए जहां पर आपका एंगल ओईसी वो भी कितना आपको 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, तो ओसी स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा ओई स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर, ये आपकी तीसरी इक्वेशन है, ठीक है, तीनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए एड 1, 2 एंड 3, ठीक भाई, कुछ नहीं हमने करना है, बस बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक आपका ये ओएफए की बात करें जिनमें ये साइडें आएंगी, ठीक है, ओएफए उसके बाद आपका ये ट्रायंगल बनता है ओएफए तो पहला हो गया, उसके बाद आपका ओडीबी ये वाला ट्रायंगल, उसके बाद आपका ओईसी ओईसी ये वाला ट्रायंगल, इन तीनों में आप लगा दीजिए जो आपको साइड्स की जरूरत होगी, उस तीनों में आपको देख लीजिए एफ डी और ई जो है आपके क्या है 90 डिग्री है, इन पे आप पाइथागोरस लगा दीजिए, आपको पता है 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस उसके लगे हुए परपेंडिकुलर और एंगल के सामने वाली बेस होती है, आप लगा दीजिए तीनों इक्वेशन को आप जोड़ दीजिए जो आपको पहला पार्ट लाना है, और मैंने आपको ये भी बताया था कैसे जोड़ते राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, तो बी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर माइनस ओएफ स्क्वायर इज इक्वल टू एएफ स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर, ये आपका पहला पार्ट प्रूफ हो गया है, ठीक है, अब हम इसके सेकंड पार्ट की बात करेंगे, ठीक है, सेकंड पार्ट में इन द सेम वे, ठीक है, जैसे कि आपने कहा था इन द सेम वे में ओए स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओसी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर माइनस ओई स्क्वायर और माइनस डीएफ स्क्वायर बराबर एएफ स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर प्लस एई स्क्वायर, ठीक है, इससे बस आप एक इसमें चेंज कर देना है बस, ठीक है, बस और आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ओ स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओबी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर माइनस का डीएफ स्क्वायर, ठीक है, हाँ, बस यहां पर जो आपको साइड्स आप देख लीजिए ये सब साइड्स एक दूसरे के क्या होगी बराबर होगी, इसीलिए मैंने इसको क्या कर दिया यहां पर रिप्लेस कर दिया है, तो बस जो जो आपको साइड्स में प्रूफ करना था वो भी आपका आ गया, एएफ स्क्वायर प्लस एएफ स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा ये बीडी स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका सीएफ स्क्वायर बराबर आपका एई स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर प्लस आपका बीएफ स्क्वायर, ये आपका यहां पर पूरा पूरा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो ये आपको जैसा पहला पॉइंट था सेम वे में आपको कुछ कुछ नहीं करना है, ये पहली वाले जो आपको लिख देनी और जो आपकी एक साइड जो बची हुई है जो इसमें नहीं आ रही है उसको आप सीधे सीधे इक्वल करके बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर वाली है ये तो सब एक दूसरे के क्या होंगे बराबर ही होंगे, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 9। अब हम लोग आगे चलेंगे, कुछ नहीं है इसमें जो आपको मैंने तीनों ट्राइंगल में आप क्या करें हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज तो बोला लगा दीजिए पाइथागोरस 1, 2 और 3 में, साथ ही साथ आप क्या करें तीनों क्वेश्चन जोड़ दे पहला पार्ट आ जाएगा, दूसरे पार्ट आप इतना सेम है जो आपकी साइड नहीं आ रही उसको आप रिप्लेस करके बना दीजिए इक्वल है, ठीक है, बस ये इसमें इससे इतना करना है। अब हम लोग बात करेंगे 9वें क्वेश्चन की,
10 क्वेश्चन तक इसमें कर लेते हैं, उसके बाद आपके 6 क्वेश्चन बचेंगे, एक एमसीक्यू है, तो वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है भाई। वैसे तो हम सब एक ही पार्ट में बताते हो, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि अगर ज्यादा ज्यादा वीडियो करते तो स्टोरेज में थोड़ी सी बच्चों प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको पार्ट में बना दूंगा, क्योंकि एक बार मैंने पढ़ाता चला गया था 1 घंटा 30 मिनट के आसपास, तो वो मेरी वीडियो सेव नहीं हुई थी, तो मैंने फिर थोड़े से कट करके वो वीडियो को मैं भेज पाया था, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम का थोड़ा सा देखना पड़ता है इसमें, तो फोन का स्टोरेज इतना नहीं है जो बच्चों इतना सब कुछ वो स्टोरेज कर पाए, ठीक है। तो स्टोरेज फंक्शन तब हमारे वर्क नहीं कर पाते वहां पर, तब इसीलिए आपको जो है सेकंड पार्ट में आपको मिलेगी। एक एक पार्ट में मैंने आपको 10 क्वेश्चन लगभग मैं करा ही दूंगा, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करा करें, गिवन जरूर लिख लिया करें क्वेश्चन में सबसे पहले, ठीक है। जब तक हम बोर्ड मिटाते हैं तो अगले क्वेश्चन में आप गिवन जरूर लिख लिया करें। अभी आपको हम बताएंगे गिवन लिख लें तब तक इसमें, जिसमें कि जो है ज्यादा टाइम ना लगे। ग्राउंड हो जाएगा टू प्रूफ, ठीक। तो भाई इसमें हमसे क्या, लेटर 10 मीटर लॉन्ग की, जो लेटर है 10 मीटर लॉन्ग है, मतलब ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी, ठीक है। 10 मीटर लॉन्ग एवं द ग्राउंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेटर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, मतलब बेस बताने बीसी, मतलब 10 8 और एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है 10 8 और 6, आप याद कर लीजिए इसका अर्थ 6 आएगा। सीधा सीधा जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, टू प्रूफ में मतलब जो बेस वाला है वही लिख दीजिएगा, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द फुट फ्रॉम बेस, ठीक, इतना आप लिख दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। बाई पी वाई टी थ्योरम आप लगा दीजिएगा, ठीक है, एबीसी में, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 64 बराबर बी सी स्क्वायर, ये आपका 36 आ जाएगा, 36 बराबर बी सी स्क्वायर, इसका मतलब बी सी जो है वो कितना आ जाएगा 6 मीटर आ जाएगा, बस हो गया। बेस की हमें बताना था 10 ट्रिपलेट होती है, तो इसी में से आप जो है वो लिख दीजिएगा कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 में से 64 का 36 बचेगा 6 सेंटीमीटर, सिमिलरली 10th क्वेश्चन है इसका, ठीक है। अरे बाप रे, ये पोल है, यहां पर एक लैडर बताया था, ठीक है, ए सी बी, ये आपका 90 डिग्री है, यहां पर 24 मीटर है, ये 18 है, ठीक है, और ये एक्स, ये वही आपको बताना है, ठीक है। तो गिवन जो है आप इसमें देखिए क्या है, 10th क्वेश्चन है, अगर वायर अटैच्ड टू वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज अ स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड, हाउ फार फ्रॉम द बेस, वही बात इसमें क्या रखी है, इसमें भी भाई मेरे एक क्या हो, ठीक। तो इसमें भी आप सबसे पहले जो गिवन आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है, गिवन आप देख लेना, बीसी हमें इसमें फाइंड करना है, टू फाइंड बीसी लिख लीजिएगा, और ये लिख देना पोल इज परपेंडिकुलर टू बेस, तो सीधा सीधा एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है भाई, बाई पी वाई टी थ्योरम, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ठीक है, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपका 24 स्क्वायर हो जाएगा, ए बी आपका कितना दे रखा है 18 स्क्वायर प्लस बी सी, 24 का स्क्वायर होता है बेटा 576, 18 का होता है 324 प्लस बी सी स्क्वायर, 576 माइनस 324 इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 252 आ जाएगी, बी सी का मतलब हो जाएगा √252 और बी सी बराबर आपको क्या हो जाएगा 6√7, तो बी सी जो है बी सी स्क्वायर था, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू √252 जो कि 6√7 आपका आ जाएगा। इसमें हम एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं कि भाई 10th क्वेश्चन में कहा है वायर अटैच्ड टू वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग, ठीक, 24 मीटर लॉन्ग मतलब ये आपकी लॉन्गेस्ट साइड हो गई है, ठीक है, और ये आपकी पोल की जो है, ठीक है, हाइट, उसके बाद ये जो बीसी है ये बेस होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया भी है प्रीवियस वीडियोस में भी, ठीक है। तो आपको सीधे सीधे यही पूछा है कि भाई इसका बेस बता दो, ट्रायंगल एबीसी में पी वाई टी थ्योरम लगा देंगे और सीधे सीधे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है भाई। तो अब मैंने आपको पूरे पूरे इसमें 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है, और आपके जो है 17 क्वेश्चन है इसमें, जिसमें सिर्फ एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से उसका है एमसीक्यू का, तो मान के चलिए 6 क्वेश्चन आपके रह गए, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में, वैसे तो मैं बता देता पूरे पूरे क्वेश्चन इसमें 17 वन शॉर्ट वीडियो में ही, लेकिन आपको मैंने इसका रीजन भी बता दिया है, वरना ये वीडियो भी बच्चों जो है अपलोड नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो फिर मेरे बच्चों खराब जाएगी फालतू की, ठीक है। तो वो वीडियो मैं आपको अगले जो है, ये वीडियो जैसी अपलोड हो जाएगी उसके बाद में कुछ टाइम बाद जो है
उसको भी बना करके अपलोड करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप बहुत ईमानदारी से अपने पढ़ते रहें, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको सिर्फ समझा भी देता हूं जो भाई ऐसा हो सकता है, और साथ ही साथ आपको लिखवा भी देते हैं जिससे कि आप जो है अच्छे से लिख भी ले, क्योंकि पेपर में आपको लिख के अपने एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इंजॉय भी आपको करते रहे, साथ ही साथ अपनी ईमानदारी से पढ़ाई भी करते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगी स्टूडेंट, वीडियो मेरी प्लीज लाइक कर दें, चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको पल पल की वीडियो जो है पल पल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, नमस्ते। Thank you.